Hi everyone, welcome back to the channel. Myself, Nancy Gulati, I'm a practicing company secretary. Today what we are discussing is how to do your theory papers. जब भी आप अपना theory paper पढ़ते हो खुद से या कोई lecture आप सुनते हो या किसी की class आप attend कर रहे हो, किसी की video lectures आप सुन रहे हो, कोई live web seminars आप सुन रहे हो, तो first of all you should always have pen and paper. In fact, whenever you go for a meeting or a seminar or a wherever you're sitting for a web seminar or you're going to meet anybody, you should have your pen paper. You should have that habit of writing down. आपको जरूर points को लिखना चाहिए. जब आप लिखते हो तो आप अपने points अपने दिमाग से generate करके बना रहे होते हो. आपको वो पॉइंट्स आपके ब्रेन में बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे क्योंकि वो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं. बट इसको ज्यादा लंबे देर तक याद रखना, लंबे दिनों तक इनफैक्ट याद रखना, या उसको फॉरएवर अपने माइंड में सेट करके रखने के लिए आपको उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट इज दैट वन, यू शुड ऑलवेज मेक पॉइंट notes, your handwritten notes, your running notes. Second, you should always revise. Revision, I'm not saying कि आप daily revision करने बैठ जाओ, course कब complete करोगे. आप जब भी कोई class attend करके आते हो, कोई live session लेते हो, within 12 hours आप एक reading दे दो उस topic की जो आपने prepare किया है या आपने attend करा है. Flip pages and read through them. आपको डिफरेंस दिखेगा कि किस तरीके से वो चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं. नेक्स्ट इज नेवर प्रोक्रेस्टिनेट. दैट मींस आप ये मत सोचो कि आपके पास बहुत टाइम है, आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे और आप उसको पुश करे जा रहे हो कि मैं कर लूंगा कर लूंगी. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ बिकॉज यू आर अल्टीमेटली हार्मिंग योर सेल्फ. यू शुड डू इट देन एंड देयर, करके उसको कंप्लीट कर लो एंड डेली गिव अ फ्लिप टू दैट टॉपिक and you are done for it. Third, when you are reading something, जब आपको ऐसा लगने लगे कि you know you are not retaining things in your brain, अब आपके brain की retain करने की power खत्म होती जा रही है, take a break, stop, take a break for 5-10 minutes, go get refreshed, come back. आप जितनी भी देर पढ़ाई कर रहे हो, make sure you are actually making good use of that time. आप एक्चुअली पढ़ रहे हो, आप सिर्फ बैठ के रीडिंग कर रहे हो बट आप कुछ भी रिटेन नहीं कर रहे हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मत करिएगा. फोर्थ, आप कभी भी कुछ कर रहे हो, आपको कोई टॉपिक या लाइन या वर्ड समझ में नहीं आता है, इफ यू हैव अ ट्यूटर गो आस्क देन एंड देयर. डाउट्स को बल्क में बढ़ने मत दो, डाउट्स को वहीं का वहीं खत्म करो. ट्यूटर नहीं है, वीडियो क्लासेस ले रहे हो, गूगल पे जाओ, वो वर्ड टाइप करो, उसका हिंदी में मीनिंग देखो या इंग्लिश में, जो आपको कंफर्टेबल लगता है. आप कहीं ना कहीं से उसको फ्रेंड से पूछो कैसे भी कर कर आके. यू हैव टू क्लियर दैट डाउट, डोंट पुट योर डाउट्स एडिंग ऑन. आई टोल्ड यू इन फर्स्ट स्टेप यू शुड हैव अ पेपर, अपने डाउट्स लिखते जाओ, उन डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपका बेसिक में ही अगर कुछ डाउट है तो आगे समझने समझने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता. इनिशियली ही अगर डाउट है तो आप बाद में कुछ नहीं समझ सकते, डिफिकल्टी होगी, चीजें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी. द साइकिल मूव्स ऑन. व्हेनेवर यू आर स्टडिंग यू शुड हैव अ फुल कॉन्सेंट्रेशन. दैट मीन्स प्लीज गिव योर फोन्स अवे, डोंट स्टे कनेक्टेड टू सोशल मीडिया अलॉट. You know, social media actually helping you, but social media is also creating so much of stress into your brain. You cannot even sleep properly. Neend na acha aane ka karan ye hai ki aap bahut zyada Facebook aur social media aur Instagram aur you know so many things have come up unke usme engrossed rehte ho. Usse aapki brain pe bahut stress padta hai. Aapko lagta hai ki aap enjoy kar rahe ho, बट अल्टीमेटली आपके ब्रेन में बहुत स्ट्रेस पड़ता है, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी रिड्यूस हो सकता है. रादर गो प्ले सम स्पोर्ट, डू सम एक्सरसाइज, गो आउट, गो फॉर अ गुड जॉगिंग एंड रनिंग, कम बैक फ्रेश एंड देन स्टार्ट रीडिंग अगेन एंड सी द डिफरेंस आपको कैसा महसूस होगा. सो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, एटलीस्ट व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम्स, जब आपको एग्जाम देना है. जब आप पढ़ रहे हो आप उस
अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को इतनी क्लैरिटी से समझो कि आप दूसरों को समझाने और दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिपेयर हो सको। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्योरी पेपर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप कोशिश यही करो कि आप समझो उसका लॉजिक क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, रादर देन जस्ट मगिंग अप थिंग्स। बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आप गूगल पे जाके लिख सकते हो कि व्हाई आर वी डूइंग दिस टॉपिक, उसके पीछे आपको जरूर कोई ना कोई रीजन मिलेगा। जब वो रीजन आपके यहाँ पे बैठ जाएगा तो उस टॉपिक को समझना कोई बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा नहीं। फाइन, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आई विल कम अप विद मोर सच टिप्स फॉर यू एंड फॉर योर बेटर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट लाइक, हिट दैट बेल आइकन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम। थैंक यू सो मच।